हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास व्हिच हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। यानी जो हमारा लाइट है वो एयर से किस पे जा रहा है स्टूडेंट, ग्लास पे एंटर कर रहा है, ठीक है। एयर से किस पे एंटर कर रहा है, ग्लास में आगे हो रहा है, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.50। नेक्स्ट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी हमें ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करना है। तो ग्लास का एक मीडियम है, तो मीडियम के स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। इट मींस हमें फाइंड क्या करना है, वी। आगे बोला था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एयर या वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो सी इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो लाइट है वो कहां से कहां जा रहा है, एयर से मीडियम में जा रहा है। तो एयर से मीडियम में जब जाता है तो उसको हम कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या हो जाता है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन बी, ठीक है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी इक्वल टू सी अपॉन म्यू, ठीक है। तो सी इक्वल टू 3×10⁸ अपॉन म्यू इज व्हाट, 1.50, ठीक है। तो 1.50, तो 2 टाइम्स में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ क्लियर प्लास्टिक ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यानी जो लाइट है वो प्लास्टिक ब्लॉक पे इंसिडेंट कर रही है, कितने एंगल के साथ, 45 डिग्री के साथ, ठीक है। तो मान ले रहे हैं कि ये हमारा क्या हो गया, प्लास्टिक ब्लॉक हो गया, और इस प्लास्टिक ब्लॉक पे एक लाइट इंसिडेंट कर रहा है। तो दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इसको लेके एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये इसका क्या ओरिजिनल पाथ है, बट ये वैक्यूम टू किस पे एंटर कर रहा है, डेंसर मीडियम में, तो बेंड होगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल, क्लियर है। दिस इज एंगल आई, और ये एंगल आई कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। आगे बोला था स्पीड ऑफ लाइट इन प्लास्टिक इज, अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन प्लास्टिक, यानी इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है, तो मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। तो बी इक्वल टू कितना गिवन है, सी अपॉन √2, ठीक है, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। आगे बोल रहा है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी दिस इज व्हाट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल हमें क्या करना, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहला एंगल आई इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्या है, मीडियम में जो स्पीड है लाइट का वो है सी अपॉन √2, ठीक। और फाइंड क्या करना है, तो एंगल आर हमें क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड करना है, क्लियर है। तो यानी हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, तो हमारे पास एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ में क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ये आर हम लोग को फाइंड करना है ना, आई का वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। तो अगर हमें आर फाइंड करना है तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए, म्यू पता होना चाहिए, ठीक है। बट देखिए मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है, सी अपॉन √2 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, म्यू फाइंड करेंगे, क्लियर है। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, क्लियर। तो C तो एज इट इज रह जाएगा, V के जगह क्या पुट कर देंगे, C अपॉन √2। तो C C क्या होगा स्टूडेंट, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। अब ये √2 कहां चला जाएगा, ऊपर। इट मींस म्यू इक्वल टू कितना हो गया, √2 आ गया, क्लियर है। अब √2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.414, ठीक है। अब हम लोग क्या लगा देते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। हम लोग को आर का वैल्यू निकाला है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन आर इक्वल टू लिख सकते हैं क्या ऐसा, साइन आई अपॉन म्यू, ठीक है। तो साइन आर इक्वल टू साइन आई की जगह पे कितना पुट करना है, 45 डिग्री, क्लियर है। और म्यू की जगह पे कितना है, देखिए √2, तो यहाँ पे पुट कर दिया √2, ठीक है। अब साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। तो 1/√2×√2, ठीक है। तो 1/√2 का √2 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, क्लियर। तो देखिए साइन आर कितना आ गया, 1/√2, ठीक है।
अब देखिए cos 30 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या sin 30 डिग्री, क्लियर है। तो r के जगह पे देखिए कितना है 30 डिग्री, इट मीन देयरफॉर एंगल r इक्वल टू 30 डिग्री, क्लियर है। तो एंगल ऑफ हमारा रिफ्लेक्शन कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, क्लियर स्टूडेंट।